खेतिया के समीप ग्राम टेमला में तड़के सुबह 3 से 4 के दरमियान लकड़बग्गे ने 3 बकरियों पर हमला कर दिया। घटना टेमला में नया प्लाट स्थित रमेश मोहन गौरे के घर पर हुई है। उन्होंने बताया कि रात्रि में बकरियों को घर के आंगन में बांध रखा था। घटना के वक्त बकरियों के शोर से पूरा परिवार उठ गया। देखने पर बकरियां स्थल पर नहीं मिली। घर से थोड़ी दूरी पर ही 3 बकरियों का किसी जंगली जानवर ने शिकार किया था। घटना की सूचना तुरंत ही ग्राम पंचायत सरपंच को दी गई। उनके द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग से डिप्टी रेंजर श्री मंगेश बुंदेला जी अपनी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। पग मार्ग को देखकर उन्होंने लकड़बग्गे द्वारा हमला होने की पुष्टि की एवं पंचनामा बनाकर आगे की कार्यवाही शुरू की। 2 दिन पहले भी इसी जानवर ने एक बकरी पर हमला कर उसे मार डाला था। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। जंगली जानवर द्वारा हो रहे हमलों से ग्रामीण डरे हुए हैं। सर, आज ग्रामीण क्षेत्र में एक घटना सुनने में आई, आप बताएंगे सर क्या विस्तृत जानकारी आपके पास? हाँ, ये आज रात की घटना है। मोहन पिता रमेश निवासी टेमला के यहाँ वन्य प्राणी द्वारा 3 बकरियों को मार दिया गया, शिकार कर लिया गया घर में। सर, उनको अब क्या मुआवजा दिया जाएगा आपके? जो भी नियमानुसार पशु हानि का मुआवजा मिलता है वो उन्हें दिया जाएगा। प्रत्येक बकरी के हिसाब से जो पशु हानि की राशि है वो 3,000 रुपये मिलता है। सर, सावधानी की दृष्टि से आपके तरफ से कोई निर्देश वगैरह दिया गया है? ग्रामीणों को जनरली हम लोग काफ़ी समय से वो बता रहे हैं कि मवेशियों को बाहर ना बांधे और रात के समय बाहर विचरण भी ना करें, क्योंकि वन्य प्राणी का मूवमेंट इस एरिया में है, काफ़ी समय से है। अज्ञात जानवर के अभी उसके जो पगमार्क है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दिए, लेकिन संभावना है कि लकड़बग्गे द्वारा पशु हानि की गई है। सर, आपका नाम? मंगेश बुंदेला, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पानसिंह। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खेतिया से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।